उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला अस्पताल से फिर आई संवेदनहीन तस्वीरें। जमीन पर तड़पता रहा खून से लथपथ हादसे का घायल। ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं ली सुध। मीडिया के कैमरे देख घायल को बेड पर लिटा शुरू किया गया ट्रीटमेंट। इलाज में देर होने से घायल सूरज की मौत। जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर का हाल बेहाल। डिप्टी सीएम के दावों को पलीता लगा रहे कन्नौज के डॉक्टर। बड़ा सवाल, आखिर कब सुधरेंगे जिला अस्पताल का संवेदनहीन स्टाफ। इस मामले में डीएम ने एसएसपी को लगाई फटकार। फटकार के बाद सीएमएस ने शुरू की कार्रवाई, मामले में जांच। नहीं, ये बात हमारे संज्ञान में आज सुबह आई है और इसमें ये पता किया मैंने इमरजेंसी इंचार्ज से, वो ये पता चला कि एक्सीडेंटल आए थे और उनमें अल्कोहलिक इंटेक का भी बात उन्होंने बताई है और वो उसमें से बेड में रखने के बाद वो गिर गिर जा रहे थे, तो एक बार गिरे थे तो उन्होंने उठा के उनको फिर बेड पे रखा, उपचार भी हुआ, लेकिन चूंकि हेड इंजरी थी और मतलब वो रिवाइव नहीं हो पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। परंतु तब भी हमने इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर एक जांच बैठाई है और ईएमओ से कहा है कि तत्काल इसके बारे में सारी जानकारी करके हमको बताएं और जो भी इसमें जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व रहेंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उन पर निश्चित रूप में कार्रवाई की जाएगी। नहीं, फर्श पे नहीं, उनको उठा के फिर जो ईएमओ द्वारा बताया गया कि फर्श से उठा करके फिर उसमें बेड पे रखा गया था, पर थोड़ा सा वो डिलीरियस स्टेज में था जिसकी वजह से वो विगो वगैरह निकाल दे रहा था। जो भी बातें हैं वो सब जांच में सामने आएंगी और उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करी जाएगी। सर, जहाँ सामने आने क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी जांच की? जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी, यदि आवश्यकता पड़ी तो उच्च अधिकारियों को सूचित करके अग्रेतर कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।